हेलो दोस्तों मैं डॉक्टर कौशल यादव फिर से आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे और आज हम पढ़ने वाले हैं द क्लासिफिकेशन ऑफ लोकल एनेस्थीसिया फॉर नीट एमडीएस तो गाइस मैंने इस क्लासिफिकेशन को इतना इजी बनाया है कि आप एग्जाम टाइम पे इसको याद रख सकते हैं आसानी से एंड कुछ ट्रिक्स एंड निमोनिक्स बनाए हैं लेट स्टार्ट सबसे पहले बात करते हैं लोकल एनेस्थीसिया को क्लासीफाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ रूट्स तो कौन से रूट से दिया जाता है पहले वो उस पर डिवाइड किया है एंड देन दूसरा जो है केमिकल स्ट्रक्चर्स पे उसको डिवाइड किया है आगे बढ़ते हैं तो रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एक होता है इंजेक्टेबल एक होता है सरफेस ओके अब इंजेक्टेबल देखते हैं तो जो इंजेक्टेबल है उसको तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है लो पोटेंसी इंटरमीडिएट पोटेंसी एंड हाई पोटेंसी जो हाई पोटेंसी वाला है वो लॉन्ग एक्टिंग होगा लो पोटेंसी वाला कम होगा तो अब इसको याद कैसे रखना है इस क्लासिफिकेशन को तो गाइज एक निमोनिक आप याद रखिए पेशेंट कैरी लीगल पेपर बट डॉक्टर्स नॉट रेडी तो इसका फर्स्ट लेटर आपको याद रखना है लाइक पेशेंट प्रोकेन सी कैरी फॉर क्लोरोप्रोकेन ओके ऑल एन देन लीगल फॉर लिडोकेन P paper for prilocaine, but B for bupivacaine, then D doctors for dibucaine, not ka last T yaad rakhna hai tetracaine and ready for R. So guys, ye easy mnemonic patient carry all legal papers, but doctor not ready. ये आप याद रख सकते हैं exam में अब surface की बात करते हैं तो surface में एक mnemonic आपको याद रखना है take patient Sorry, take patients' legal consent better before operating. So T for tetracaine, P for proparacaine, then legal L for lidocaine, C for consent cocaine, then B better for benzocaine, then B for butyl aminobenzoate and O for oxathazine सो गाइज टेक पेशेंट लीगल कंसेंट बेटर बिफोर ऑपरेटिंग ये बहुत ईजी सा है गाइज आप इसको याद कर सकते हैं और एग्जाम में आपको याद रहेंगे अब बात करते हैं केमिकल स्ट्रक्चर की तो गाइज केमिकल स्ट्रक्चर के क्लासिफिकेशन को आपको याद नहीं रखना है मैं एक सिंपल ट्रिक बताता हूँ आपको कैसे याद रखना है अगर हम ईस्टर की बात करें तो ईस्टर्स हमें पता है वो प्लाज्मा में मेटाबोलाइज होता है एंड एमाइड जो है वो लीवर में मेटाबोलाइज होता है तो गाइज अगर ईस्टर की बात करें तो आपको सिंपल सा याद रखना है कि ईस्टर में सिर्फ आई का ध्यान रखना है अगर सिंगल आई मतलब अगर एक आई होगा आप देखिए कोकेन कोकेन में ओनली वन आई है प्रोकेन प्रोकेन में भी एक ही आई है क्लोरोप्रोकेन यहाँ भी एक आई है यहाँ भी टेट्राकेन में भी एक आई है बेंजोकेन में भी एक आई है तो अगर सिंगल आई होगा तो वो ईस्टर है और एमाइड में डबल आई होगा लिडोकेन देखिए आई यहाँ भी है और यहाँ भी देन पुबी ऑफ में भी दो आई है तो जब दो आई होंगे तो इट मीन वो अमाइड है तो आप आसानी से क्वेश्चंस लगा सकते हैं आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है इसमें तो अगर आप क्वेश्चंस लगाना चाहते हैं आप क्वेश्चंस मैं आपको बताता हूँ कैसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं जैसे देख लेते हैं विच ऑफ फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन ईस्टर्स ग्रुप अब ईस्टर्स ग्रुप में कैसे प्रेजेंट है तो हमें याद रखना है सिंगल आई तो यहाँ पे लीडो केन नहीं हो सकता बिकॉज दो आई है बुबीवा केन भी नहीं हो सकता बिकॉज दो आई है परिलो केन नहीं हो सकता बिकॉज यहाँ भी दो आई है एंड यहाँ पे एक आई है इट द आंसर इज तो ऐसे टाइप के नीट में पूछे जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं विच ऑफ फॉलोइंग इज मेटाबोलाइज इन प्लाज्मा अब प्लाज्मा में कौन सा तो हमें पहले देखना होगा प्लाज्मा में कौन सा मेटाबोलाइज होता है तो ईस्टर वाला जो है वो प्लाज्मा में मेटाबोलाइज होता है तो अब अब देखना है कि यहाँ पे प्लाज्मा में ईस्टर वाला तो ईस्टर वाला मतलब सिंगल आई तो लीडोकेन दो आई है ये भी नहीं हो सकता बुपीवा केन दो आई ये भी नहीं हो सकता डबल आई ये भी नहीं हो सकता देन प्रोकेन इज़ योर आंसर बिकॉज ईस्टर ग्रुप ये है तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आप आसानी से लगा सकते हैं आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है सिंपल ट्रिक्स फॉलो करके आप कर सकते हैं तो गाइज़ ऐसे ही वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं So that you will get my latest video. Okay guys, thank you.